हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी सीखना चाहेंगे अपने दूल्हे के नाम के लट्टन बनाना, जो कि घर में बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ही ब्लाउज़ का लटकन लिया है, जो कि आजकल ब्लाउज़ में पीछे डोरियों में बांधा जाता है, और ये छोटे छोटे से चार कुशन बनाए हैं। इन कुशन्स को बनाना बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ दो स्क्वायर पीसेस कट करने हैं और उनको आपस में या फिर सिल लें। थोड़ा सा आपको स्पेस छोड़ना है ताकि आप उसे सीधा कर सकें। उस जगह से उसको सीधा कर लें और उनको फिल करने के बाद में ऊपर एक ये लटकन लगा दें। अब मैंने यहाँ पे एक ये गोल्डन मोतियों की माला ली है। इस माला में मैं ये ज्वेलरी मेकिंग एक पिन लगा दूँगी। इस माला का जो धागा है, इसमें मैं अच्छे से दो नोट लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से बंध जाएगा इसमें टाइटली। ये मैंने अच्छे से दो नोट लगा दी हैं और अब इस निडल में एक प्लास्टिक फ्लावर ऐड कर लेंगे और इसको आप कुशन्स के नीचे वाले कॉर्नर में सेट कर देंगे और ये प्लास्टिक की हेल्प से थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देंगे ताकि ये इसमें अच्छे से जॉइंट हो जाए। ये करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अराउंड 7 मोती यहाँ पे ले लूँगी। आपको जितनी भी लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और अब इसको 7 मोतियों के बाद कट करके और एक सुई धागे की हेल्प से इसको नोट लगा देंगे ताकि ये वहाँ से खिसके नहीं। अब मैंने एक वही ज्वेलरी मेकिंग पिन इसमें ऐड कर फिक्स कर दी है और उसमें एक फ्लावर डाल देंगे और सेकंड कुशन को एक कॉर्नर में इसको फिक्स कर देंगे और प्लास्टिक की हेल्प से इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये सेकंड लटकन भी 7 मोतियों के साथ में जॉइन कर दिया है। अब जो अपना पहला वाला कॉर्नर था उसमें से मैं एक मोतियों की माला और इसी में डाल देंगे। इसमें हमने एक और मोतियों की माला ज्वाइन कर ली है। फर्स्ट वाले कुशन में से ही इसको मैंने डाला है। अब जो सेकंड कुशन जहाँ पे ख़त्म होता है उसी के कॉर्नर के अकॉर्डिंग इस वाली माला की लेंथ ले लेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। और इस थ्रेड को नोट लगा के यहीं पे फिक्स कर देंगे ताकि ये मोती गिरे नहीं। हमने सेकंड कुशन को भी जॉइन करते टाइम यही किया था, उस मोती की माला को वहीं पे फिक्स कर दिया था ताकि आगे मोती गिरे ना, और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे और इस जगह पे हल्का सा फैब्रिक ग्लू लगा देंगे ताकि ये नोट हमारी खुले नहीं। वही ज्वेलरी मेकिंग पिन मैंने एक और ले ली है। इसको मैंने मोती में से निकाल लिया है, ये बीच में अटक के रह जाती है, उसमें वो एक पॉइंट रहता है उसके कारण। अब मैंने इसमें एक फ्लावर डाल दिया है और इसमें एक और कुशन ऐड कर देंगे। ये बहुत ही इजीली बनने वाली चीज़ है और मार्केट में बहुत महंगी मिलती है। ये देखिए, अब एक माला जिसमें से हमने ये सेकंड माला निकाली थी उसी में से एक बार और एक और माला को निकालेंगे और इसमें अच्छे तरह से नोट लगा देंगे। हमें ये सारे कुशन्स और ये सारी मालाएं ऊपर वाले कुशन के पॉइंट में ही जॉइंट करनी है। ये देखिए, एक दो और अब ये तीसरा कुशन भी ऊपर वाले पॉइंट से ही जॉइंट होगा। अब मैं इसमें निडल डाल दूंगी। कुशन में निडल डाल देंगे, फिर इसमें फ्लावर डाल देंगे और अब इसमें इसको मोती में डाल के
फोल्ड कर देंगे। इन क्वेश्चंस को आप ये लास्ट वाली ट्रिक के साथ भी सेट कर सकते हैं और जो ऊपर मैंने दो क्वेश्चन सेट करके दिखाए हैं उस ट्रिक से भी सेट कर सकते हैं। ये लटकन हमारा बनके तैयार है। मार्केट में इनकी प्राइस 1,200 तक जाती है और आप इसको स्टोन चेन के साथ अपने दूल्हे का नाम भी लिख सकते हैं। बहुत सुंदर दिख